अस्सलाम वालेकुम, मैं फिजवारी आपके साथ हम ख्याल। आज मैं आपके साथ जो कहानी शेयर करूंगी वो है श्री रामचंद्र जी की कहानी। श्री रामचंद्र जी जो हिंदू मज़हब के मुताबिक अल्लाह के अवतार हैं। श्री रामचंद्र के बारे में इलामा इकबाल ने भी एक नज़म लिखी थी जिसका उन्वान है राम। इलामा इकबाल कहते हैं, लबरेज है शराब हकीकत से जाम हिंद, सब फलसफी हैं खिंदाए खत्ताए मशरक के राम हिंद। है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद। इस शेर को पढ़ने के बाद मुझे श्री रामचंद्र जी के बारे में जानने का शौक पैदा हुआ। कदीम तरीन हिंदू रवायात के मुताबिक राम जो थे, भगवान राम ईश्वर यानी अल्लाह के अवतार थे। हिंदू मज़हब में इन्हें विष्णु के 10 अवतारों में से 7वां अवतार माना गया है। श्री रामचंद्र जी की ज़िंदगी की कहानी महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है और इसे रामायण का नाम दिया गया है। शुमाली हिंदुस्तान में श्री रामचंद्र जी को एक ख़ास तौर पर काबिले प्रस्तिश माना जाता है और इन्हें एक मिसाली शख्सियत को तौर पर देखा जाता है। रामायण के मुताबिक श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े बेटे थे। अयोध्या के राजा की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानी सुमित्रा के 2 बेटे थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जबकि कैकेयी के बेटे भरत थे। श्री रामचंद्र जी की वालिदा का नाम कौशल्या था। रियासत के कवानीन के मुताबिक श्री रामचंद्र ही वली अहद थे और इन्हें ही राजा बनना था, मगर रानी कैकेयी ने एक मौके पर राजा की जान बचाई थी जिसकी वजह से उन्होंने राजा से वादा लिया था कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी इनसे कुछ भी मांग सकती हैं, और उन्होंने इस वादे की बुनियाद पर अपने बेटे भरत को अयोध्या का राजा बनवा लिया और श्री रामचंद्र को 14 साल की कैद यानी वनवास में भिजवा दिया। श्री रामचंद्र अपनी नेक तबीयत की वजह से अपने वालिद के हुक्म पर अपनी बीवी सीता देवी और भाई लक्ष्मण के हमरा वनवास काटने जंगल यानी वन में चले गए। श्री रामचंद्र जी पर उर्दू के शायरों ने भी शायरी की है। रामायण के एक मंजर पर एक एक मंजर पर अशार भी लिखे गए हैं। चंद बिसरे चकबस्त की नज़म के मुलाहिजा हूँ। कहते हैं, रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राहे वफा की मंजिल हुई तमाम, मंजूर था जो माँ की ज़ियारत का अहतमाम, दामन से अश्क पूंछ के दिल से किया कलाम। रामायण से कुछ चीज़ें भी बहुत मशहूर हैं, जैसे लक्ष्मण रेखा। राम ने जब सीता देवी का हुस्न जमाल देखा तो उसे हासिल करने की ठानी, अपने एक जादूगर को हिरण का रूप देकर भेजा। सीता देवी ने जब खूबसूरत हिरण देखा तो श्री रामचंद्र जी से हिरण को पकड़ने की दरख्वास्त की। श्री रामचंद्र जी इनकार ना कर सके, अपने भाई लक्ष्मण को सीता देवी की हिफाजत के लिए कहा और हिरण पकड़ने खुद चले गए। श्री रामचंद्र ने हिरण पर तीर चलाया, तीर लगते ही हिरण दर्द से चीखने लगा और ज़ोर ज़ोर से ए सीता ए लक्ष्मण की आवाज़ लगानी शुरू कर दी। सीता देवी ने जब यह आवाज़ सुनी तो लक्ष्मण से मदद के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण ने इनकार किया, पर सीता देवी के हुक्म पर लक्ष्मण ने जाने से पहले एक लाइन लगा दी जो आज भी लक्ष्मण रेखा के नाम से मशहूर है और अपनी भाभी यानी सीता देवी से इस रेखा से बाहर आने से मना किया गया। जब वो ऑफिस आए तो सीता गायब हो चुकी थी, रावण उन्हें अगवा कर चुका था। आखिर श्री रामचंद्र जी रावण को कत्ल करके सीता को वापस ले आते हैं और फिर वनवास के 14 साल पूरे हुए। अयोध्या वापसी पर पूरे मुल्क में चरागा किया गया। दिवाली के त्यौहार की शुरुआत यहीं से हुई। दशहरा भी इंडिया में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। रावण के कत्ल यानी शैतान की हलाकत की खुशी में मनाया जाता है। रामलीला मनाई जाती है, रावण का पुतला बनाकर
जलाया जाता है। अवतार कौन होता है इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। फ़िलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।